हेलो गाइस, तो देखिए फाइनली मेरी साड़ी का फॉल लग चुकी है और मैंने ये साड़ी तो एक बार पहना था अपनी एनिवर्सरी पे, तो मैंने सोचा इसका बॉर्डर हैवी है तो मैंने इसमें फॉल नहीं लगाया। अब मेरा मन कर रहा था कि चलो मैं लगा लेती हूँ इस पे, तो मैंने आज फाइनली फॉल लगा लिया है। और आज हमारे घर में फंक्शन है, एक इस वाली भी लगा रहा है और एक इस वाली भी लगा रहा है। ये मेरी मम्मा ने दी थी मुझे, तो अब देखती हूँ शाम को मैं हमारे यहाँ पे मतलब जो मेरी देवरानी है उसके बड़े बेटे और छोटी बेटी मतलब श्रद्धा का आज बर्थडे है और घर पे जागरण है, तो मैं देखती हूँ मैं से कौन सा पहनती हूँ। तो देखते हैं कौन सी थोड़ी फिलहाल मैंने दोनों साड़ी पे फोन लगा ली है और मैंने कस्टमरों के जो ऑर्डर हैं वो भी पूरे कर दिए हैं। तो ये मैं साइड रख देती हूँ इधर, और ये कस्टमरों के कुछ ऑर्डर थे जो मैंने तीन चार जो आज तैयार किए हैं। ये वाला था एक, ये वाली ड्रेस की एक, ये वाली थी ब्लू नीला तो गाइस ये ब्लाउज और मेरे कस्टमर लेने आ रहे खाने वाले थे, तो कई वाली यदि आई नहीं है तो ये मुझे फटाफट से तैयार करना है और शाम के बजे 6:30 और 7:30 बजे तैयार होके हमें जाना है जागरण में माता रानी के में। तो आप सब इंजॉय कीजिएगा और क्या पहनती हूँ मैं, कैसे कैसे तैयार होती हूँ सारी चीज़ें बताऊँगी। और मुझे भूख लगी है तो एक चार कुकर में चावल बन रहे हैं क्योंकि हो सकता है खाना थोड़ा लेट हो जाए, तो उस वजह से हमने सोचा कि चलो थोड़ा कुछ खा लेते हैं और मिलते हैं रात को जगह तैयारी से जाते हैं हम कैसे कैसे। हेलो गाइस, मैं अब जा रही हूँ तैयार होने, मेरे कपड़े धुल गए हैं और मेरा घर का सारा काम खत्म हो गया है और बजने वाले हैं 8 बज गए और हमारी बर्थडे गर्ल आ चुकी है श्रद्धा। तो आज फाइनली हमारी श्रद्धा का बर्थडे है, तो श्रद्धा हमारी क्यूट सी प्यारी प्यारी श्रद्धा कैसी लग रही प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। मैं सब पूरा लग दिखा रही और ये है श्रद्धा, ये है आराध्या यानी मेरी श्रद्धा तो मेरी देवरानी की बेटी है और आराध्या ये हमारी दीदी यानी हमारी ननंद है उनकी बेटी है और ये गेस्ट मतलब रिश्तेदार है वो आए हुए हैं उनके बच्चे आ जाओ बाबू। तो ये देखिए टिक टिक याहू, मैं फटाफट से तैयार होके आती हूँ, मेरा लुक कैसा रहेगा काफी तो मुझे पता ही नहीं मुझे क्या पहनना है। सोच रही हूँ मैं कौन सी साड़ी पहनूँ, ब्लैक का पहनने का सोच रही हूँ लेकिन माता रानी का जागरण में सोच रही हूँ नहीं पहनूँ, तो देखते हैं। श्रद्धा बताएगी श्रद्धा कौन सी साड़ी पहनूँ और आराध्या बताएगी, दोनों पसंद करेंगे मेरी साड़ी, तो देखते हैं कौन सी वाली पसंद करते हैं श्रद्धा और आराध्या। सो फ्रेंड्स देखिए एक मेरे पास ये वाली है, ये वाली साड़ी है और ये मैंने ब्लैक वाली, ये मतलब गर्मियों के हिसाब से मैंने तैयार की है क्योंकि बहुत गर्मी है तो उस वजह से इनकी हल्की फुल्की हो जाएगी। और एक ये वाली है तो ये मैंने एनिवर्सरी पे पहनी थी। तो बच्चों बताओ मैं कौन सी पहनूं। गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी, तो कैसी लग रही हूँ कमेंट करके जरूर बताना। तो आज मैंने वही वाली साड़ी, बच्चों की जिद पे खुशी की यही फेवरेट है, बोली मम्मा आप यही पहनना तो मैंने वही पहनी है और ये भी उसने जिद करके पहनाया था। बाकी मैं आपको दिखा दूँ मैंने दूसरा वाला पहना था, मैंने सोचा कि जागरण चलो थोड़ा सिंपल लुक क्रिएट कर लेती हूँ लेकिन मेरी बेटी है ना वो बहुत शैतान है, मैंने ये वाला पहना था सिंपल सा तो ये निकलवा के गई है कि नहीं मम्मी ये नहीं पहनोगी आप ये वाला पहनो। तो चलो कैसी लग रही हूँ कमेंट करके बताना, तो मैं देखती हूँ कोशिश करती हूँ कि वहाँ पे सूट हो सकता है या नहीं क्योंकि फाइनली मेरा ससुराल है और मैं पर्दा करके बैठ जाऊँगी आराम से, यहाँ पे मैं सूट नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पे मेरा मतलब किसी को नहीं पता है कि मैं ये चीज़ें करती हूँ। तो फ्रेंड्स सॉरी, देखूँ वैसे मैं कोशिश करूँगी क्योंकि आजकल तो अगर वीडियो बनाओ या मत बनाओ सूट तो कोई करता है, तो उस बहाने से मैं सूट कर लूँगी और फिर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे कैसा दरबार क्या लग रहा है और मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके बताना। और ये मेरा रानी हार और ये मेरी साड़ी, बाकी क्या कमी लग रही है ये भी कमेंट करके बताना। हाँ अभी मैंने रिंग नहीं पहनी है, नेल पेंट नहीं लगाया और
तो चलिए मिलते हैं। और इसी बात पर अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना ताकि मेरे आने वाले ब्लॉग की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सब पहुंच सके। और लाइक कर दिया करो यार, प्लीज 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 लाइक कर देना। और मैंने साड़ी कैसी बांधी है ये भी जरूर कमेंट करके बताना यार, बहुत टाइम लगता है बनारसी साड़ी को पहनना, बहुत झंझट है और ऊपर से गर्मी बहुत हो रही है। तो मेरा सिंपल सा, मैंने कुछ नहीं लगाया, बस मैंने फाउंडेशन लगाया है। सबसे पहले फर्स्ट मैंने एलोवेरा जेल लगाया था, फिर फाउंडेशन लगाया, फिर फिनिशिंग पाउडर लगाया। बस मेरा मेकअप यही होता है और आंखों को लाल पीला काला मैं कुछ नहीं करती हूँ। तो बस मैं सिंपल सी और सिंपल सी बिंदी लगाती हूँ। और ये मेरा सिंदूर खत्म हो गया था तो लिपस्टिक से मैंने सिंदूर लगा लिया है। और बालों में वही मेरे डेली वेज का, बस बालों के मेरे हेयर स्टाइल तो कभी बनती नहीं है, चाहे शादी हो या कुछ भी हो, बस यही सिंपल सा जुड़ा रहता है, ठीक है। क्योंकि मुझे पर्दा करना है, वैसे भी कोई हेयर स्टाइल बनाने का कोई फायदा नहीं है। और मैं देखती हूँ खाना वाना खा के, क्योंकि जो मेरी देवरानी का घर है बिल्कुल मेरे घर के पास में ही है, वहाँ से खाना खा के थोड़ा पूजा वूजा करके आ जाऊँगी, फिर रात को मैं चेंज कर जाऊँगी सिंपल वाली साड़ी, क्योंकि इसमें कुछ दिखेगा नहीं। और थोड़ा बहुत डांस वांस करना पड़ा तो वो नहीं कर पाऊंगी मैं, क्योंकि पल्लू है, मुझे यूं करके रहना पड़ेगा, यूं हाँ यूं करके रहना पड़ेगा यार, बड़ा मुश्किल है सर पे पल्लू। कोई नहीं, थोड़ी देर के लिए डालूंगी फिर मैं चेंज कर जाऊंगी, ठीक है। मिलते हैं, बाय बाय। इसी बात पे एक लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि आपकी दी कैसी लग रही है, कोई कमी है तो भी बता देना। और ये मतलब मेरे पे सूट कर रहा है जो लुक क्रिएट किया है या नहीं कर रहा है ये भी कमेंट करके बताना। वैसे मुझे मेकअप पे आ रही है, नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी, पार्लर वगैरह का मुझे कुछ नहीं आता है, लेकिन मुझे खुद से तैयार होना ही पसंद है। मैं आज तक कभी भी पार्लर में तैयार तो कभी हुई नहीं, कभी भी नहीं, मुझे पसंद भी नहीं आने वाला किसी का मेकअप, मुझे अपने तरीके से ही नेचुरल मेकअप पसंद है, ठीक है। इसी बात पे लाइक कर दो, मिलते हैं।